नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको धर्मराज के व्रत की कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, धर्मराज और शनिदेव दोनों सूर्य के पुत्र हैं और दोनों न्यायप्रिय देवता भी हैं। शनिदेव मनुष्य को इसी जन्म में ही उसके कर्मों का अच्छा या बुरा फल दे देते हैं और धर्मराज मरने के पश्चात हमारे कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल देते हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से व्रत पूजा किया करती थी। एक दिन यमदूत उस बुढ़िया को लेने के लिए आ गए और वह उनके साथ चल दी। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। यमदूतों ने बुढ़िया से कहा कि माई, क्या तुमने गोदान की हुई है? तो उस बुढ़िया ने गो माता का ध्यान किया और उसकी पूंछ पकड़कर वह उस नदी को पार कर गई। आगे चलकर उसके रास्ते में कुछ कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, क्या काले कुत्ते को खाना खिलाया था? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया और ध्यान में उन्हें खाना खिलाया तो वह भी रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर यमदूतों के साथ आगे बढ़ गई। आगे उसे कौवे मिले और वह उसके सिर में चोंच मारने लगे। तो यमदूत बोले कि क्या ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया और उसके सिर में तेल लगा दिया तो कौवे भी रास्ते से गायब हो गए। कुछ आगे चली तो बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने लगे। तो यमदूतों ने फिर से कहा कि क्या खड़ाऊं दान की थी? बुढ़िया ने ध्यान में ही खड़ाऊं का दान किया तो उसके पैरों में खड़ाऊं आ गई। आगे जाकर धर्मराज बोले कि ये तुम किसे लेकर आए? इसने दान पुण्य तो किया है परंतु धर्मराज का व्रत नहीं किया, इसीलिए स्वर्ग के द्वार इसके लिए बंद हैं। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापिस आ जाऊंगी। तब उसे धरती पर भेज दिया गया। गांव वाले उसे भूत समझकर डरने लगे और उससे दूर भागने लगे। वह अपने घर पहुंची तो उसके बेटा बहू भी उससे डरने लगे। बुढ़िया ने उन्हें सारी बात समझाई। उसके बेटा बहू ने उसके व्रत व पूजा की सारी सामग्री उसे लाकर दी। जब बुढ़िया कथा कहने लगी तो उसने अपने बेटे और बहू से कथा सुनने के लिए कहा, परंतु उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तब एक पड़ोसन उसकी कथा सुनने को तैयार हुई। बुढ़िया ने 7 दिन व्रत रखा और पड़ोसन को कहानी सुनाई। तो 8वें दिन स्वर्ग से विमान आया तो उसके घर वाले और सभी गांव वाले विमान पर बैठने को तैयार होते हैं। तो यमदूत कहते हैं कि तुम सब कहाँ चले? धर्मराज की कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए बस वही साथ जा सकती है। यह सुनकर सभी गाँव वाले बुढ़िया से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। बुढ़िया सबको कहानी सुनाती है तो सभी विमान पर बैठकर स्वर्ग की ओर चलते हैं। स्वर्ग पहुंचकर धर्मराज कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था, तुम सबको क्यों लेकर आए? तब बुढ़िया कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य कर्म किए हैं उनमें से आधे का फल सभी गाँव वालों को दे दो। तो धर्मराज ने सभी गाँव वालों को स्वर्ग में जगह दे दी। धर्मराज का यह व्रत मकर संक्रांति को आरंभ करके अगले साल की मकर संक्रांति तक पूरा 1 साल चलता है। इस पूरे वर्ष में प्रतिदिन कथा सुननी और सुनानी होती है। अगर सुनने वाला कोई ना मिले तो जल का लोटा सामने रखकर कथा कहनी चाहिए और कथा के दौरान दान पुण्य के साथ साथ तन और मन की शुद्धि भी रखनी चाहिए। बोलिए धर्मराज की जय। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।